75वें जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में रिलीज हुई शरद पवार की ऑटोबायोग्राफी। समारोह में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सोनिया गांधी समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। नीतीश कुमार ने भी की शिरकत। बिहार चुनाव में जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले नीतीश कुमार। मुलाकात को बताया सकारात्मक, पैकेज को पूरा करने की जताई उम्मीद। बिहार में कदाचार रोकने के लिए सरकार की कवायद, कदाचार होने पर नपेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी और सेंटर सुपरिटेंडेंट। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का सख्त निर्देश। प्राचार्यों की नियुक्ति में गड़बड़ी मामले पर पटना हाईकोर्ट सख्त, मगध यूनिवर्सिटी के 12 प्राचार्यों को काम करने से रोकने का आदेश। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने किया फैसले का स्वागत। रांची मास्टर प्लान के विरोध में 184 गांव के ग्रामीणों का राजभवन मार्च। सरकार से प्लान को वापस लेने की मांग। मांग की अनदेखी करने पर 48 घंटे में चक्का जाम करने की चेतावनी। और बिहार के खेल मंत्री शिवचंद्र राम ने जी पुरवैया के मुहिम की सराहना की। कहा, बिहार क्रिकेट बोर्ड को मान्यता दिलाने की करेंगे पूरी कोशिश, हर हाल में लेकर रहेंगे मान्यता।